अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपको लेके आया हूँ DHA फेज 7 लाहौर, जहाँ विजिट करेंगे 10 मरला कॉर्नर हाउस जो कि सेल के लिए अवेलेबल है। व्यूवर्स, घर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से खूबसूरती से डिज़ाइन हुआ है। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इसका खूबसूरत फ्रंट एलिवेशन आप चेक कर सकते हैं, खूबसूरती से आप देख सकते हैं इसको डिज़ाइन किया गया है। चलते हैं आप अपने फ्रंट साइड पर, उधर से जाके भी इसका व्यू कर लेते हैं। ये खूबसूरत इसका फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन किया गया है, ये इसका कार रैंप का एरिया डिज़ाइन किया गया है। और ये इसकी ग्रीन एरिया डिज़ाइन किया गया है आउटर साइड पर। एंटर होते हैं तो चेक कर सकते हैं कार पोर्च का एरिया आ जाता है। इसके अंदर आप चेक कर सकते हैं फ्रंट साइड पर खूबसूरत मोज़ेक आर्ट से डिज़ाइनिंग की गई है। और एंट्रेंस पर आप देखें तो खूबसूरत डोर डिज़ाइन किया गया है, खूबसूरत ऐश वुड के अंदर इसको डिज़ाइन किया गया है, जिसको कम्प्लीटली आप देख सकते हैं फॉरन लुक दी गई है। लेफ्ट साइड पर इसका जो पाउडर रूम डिज़ाइन है वो आप देख सकते हैं, फुली टाइल्ड ये बात है, खूबसूरत इसमें पाउडर रूम डिज़ाइन किया गया। उसके बाद इस साइड पर इसका ड्राइंग एंड डाइनिंग का एरिया डिज़ाइन है वो आप चेक कर सकते हैं, खूबसूरत वुडन पैटर्न के साथ इसकी जो फ्लोरिंग डिज़ाइन की गई है। राइट साइड पर इसकी वेंटिलेशन विंडो डिज़ाइन है, इस साइड पर इसकी फीचर्ड वॉल में आप देख सकते हैं जो वॉलपेपर यूज़ किया गया और उसके साथ इन्वर्टर इंस्टॉल किया गया। और इस साइड पर इसकी जो एंटीक ग्लास के अंदर वॉल डिज़ाइन की गई वो भी देख सकते हैं। ऊपर इसका सीलिंग डिज़ाइन आप चेक कर सकते हैं, फानूस के साथ इसका सीलिंग डिज़ाइन किया गया, खूबसूरत इसमें देखें तो ऐश वुड के डोर डिज़ाइन की गई हैं खूबसूरती के साथ इसको। ये फर्स्ट फ्लोर के लिए स्टेयर डिज़ाइन आप देख सकते हैं, ऊपर इसकी जो लॉबी डिज़ाइन भी चेक कर सकते हैं फानूस के साथ। लेफ्ट साइड पर देखें तो इसका जो क्लोज किचन का एरिया डिज़ाइन किया गया वो भी आप चेक कर सकते हैं। ये गैलरी के एक तरफ एग्जिट के लिए डोर डिज़ाइन है वो भी आप व्यू कर सकते हैं। इस साइड पर टेम्पर्ड ग्लास और यूवी शीट्स के अंदर इसकी जो कबर्ड डिज़ाइन की गई है, इसके साथ वेंटिलेशन विंडो अवेलेबल है, देखिए कबर्ड्स खूबसूरत डिज़ाइन किया गया है। इसके साथ बर्नर की अवेलेबिलिटी मिल जाती है, उसके ऊपर रेंज इंस्टॉल किया गया है इसका। इस साइड पर वॉश बेसन इंस्टॉल है और उसके ऊपर इसका जो वेंटिलेशन विंडो की अवेलेबिलिटी दी गई। इस साइड पर फ्रीजर इंस्टॉल किया गया वो आप चेक कर सकते हैं, और उसके साथ बेकिंग ओवन और माइक्रोवेव ओवन की अवेलेबिलिटी भी हमें मिल जाती है। इसका क्लोज व्यू आप चेक कर सकते हैं, ओवरव्यू। इस साइड पर एंट्रेंस पर देखें तो खूबसूरत डोर इंस्टॉल किया गया वो भी चेक कर सकते हैं आप। अंदर एंटर होते हैं तो चेक कर सकते हैं वेंटिलेशन के लिए दो बड़ी विंडोज दी गई है यहाँ पर भी ब्लैक एल्यूमिनियम के अंदर। इस साइड पर इसकी मीडिया वॉल डिजाइन की गई है वो भी आप चेक कर सकते हैं। ये इस घर का जो टीवी लॉन्च का एरिया डिज़ाइन है हम उसका ओवरव्यू कर रहे हैं। इस साइड पर इन्वर्टर इंस्टॉल किया गया और ऊपर इसका खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन है। इस साइड से आप कंप्लीट व्यू चेक कर लें इसका दोबारा एक दफ़ा। इसके बाद चलते हैं इसकी बेड की अकोमोडेशन की तरफ। एंट्रेंस पर डोर डिज़ाइन आप देख सकते हैं, खूबसूरत डोर डिज़ाइन इसमें इंस्टॉल किया गया, सॉलिड ऐश वुड के अंदर इसको कम्प्लीटली डिज़ाइन किया गया। इस साइड पर भी वुडन फ्लोरिंग यूज़ की गई वो भी आप चेक कर सकते हैं इसकी, और सामने वेंटिलेशन की विंडो की अवेलेबिलिटी मिल जाती है और इसके ऊपर आप खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन। इस साइड पर इसकी जो फीचर्ड वॉल डिज़ाइन की गई उसमें वॉलपेपर का यूज़ किया गया, और इसके साथ इसकी जो कवर डिज़ाइन की गई वो भी आप चेक कर सकते हैं। यूवी शीट्स और मर्की ग्लास के साथ इसको डिज़ाइन किया गया। इसके जो अटैच बाथरूम में एंटर होते हैं तो चेक कर सकते हैं, टब बाथ के साथ इसको जो डिज़ाइन किया गया कम्प्लीटली जो टाइल्ड बाथ है ये साइड पर इसकी जो है वो आप चेक कर सकते हैं। इसका शावर कैबिन एरिया डिज़ाइन किया गया और उसके साथ कमोड की अवेलेबिलिटी दी गई है वो भी आप चेक कर सकते हैं, खूबसूरत ये बाथ डिज़ाइन किया गया जी। व्यूअर्स, ये होगी इसका फ्लोर प्लान, मैं आपको गाइड कर दूँ। सबसे पहले यहाँ से हम एंटर हुए और यहाँ हमारे राइट साइड पर जो लेफ्ट साइड पर इसका पाउडर रूम डिज़ाइन किया गया वो चेक कर सकते हैं। उसके बाद उसके बिल्कुल साथ इसका जो क्लोज किचन डिज़ाइन है, थोड़ा आगे आए तो ये इसका टीवी लॉन्च एरिया डिज़ाइन किया गया और ये इसका फर्स्ट बेडरूम की अवेलेबिलिटी हमें दी गई है जी व्यूअर्स। इसके बाद चलते हैं अपने फर्स्ट फ्लोर की तरफ, उसका भी कम्प्लीट विजिट कर लेते हैं। फर्स्ट फ्लोर के लिए स्टेयर डिज़ाइन आप देख सकते हैं, गैलेक्सी जेट ग्रेनाइट का यूज़ किया गया, उसके साथ टेम्पर्ड ग्लास से इसकी रेलिंग डिजाइन की गई है, टॉपिंग वहां वुड की गई है।
मजीद ऊपर आते हैं तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर खूबसूरत कलर पैटर्न से इसकी टाइल डिजाइन की गई। इस साइड पर ऊपर टेरेस एरिया दिया गया, वो आप चेक कर सकते हैं। जो कॉर्नर प्लॉट है ये, इसको एज है, वो आप चेक कर सकते हैं। इस साइड पर इसका बेडरूम की अवेलेबिलिटी दी गई है और बेसिक के दूसरी तरफ दो बेड्स की अकोमोडेशन उस साइड पर भी दी गई है स्टोर के साथ। बेड फर्स्ट में एंटर होते हैं तो आप देख सकते हैं एल शेप में इसकी वेंटिलेशन विंडो डिजाइन की गई है, वो आप चेक कर सकते हैं। खूबसूरत टेम्पर्ड ग्लास इसके जो टेरेस पे डिजाइन किया गया। इस साइड पर देखें तो इसको जो आयरन की लोअर से इसकी डिजाइनिंग की गई है। ये कंप्लीट आप रूम देख सकते हैं। इस साइड पर इसके फीचर वाले इसमें देखें वॉल हैंगिंग लाइट के साथ वॉलपेपर का यूज किया गया, वो आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद इसकी जो अटैच बाथरूम की तरफ चलते हैं। बाथरूम में एंटर होते हैं तो सामने इसकी चेक कर सकते हैं, इसमें सेपरेट शावर कैबिन एरिया मिल जाता है। उसके साथ इसका जो है वेंटी इंस्टॉल है और यहाँ पर कमोड की अवेलेबिलिटी मिल जाती है। और इसके बैक साइड पर चेक कर सकते हैं कबर्ड डिजाइन किया गया। पैसेज एरिया से आप चेक कर सकते हैं। हम अपने मजीद बेड्स की अकोमोडेशन की तरफ चलते हैं। इस साइड पर इसका स्टोर डिजाइन है, उसमें आप देख सकते हैं खूबसूरत इसमें स्टोर डिजाइन किया गया। डोर्स व्यूज इसके अंदर कम्प्लीटली खूबसूरती से इसको डिजाइन किए गए, वो इसका मैं डोर का व्यू दोबारा आपको करवाऊं। बड़े प्यारे इसमें डोर डिजाइन किए गए। और स्टोर के बिल्कुल साथ यहाँ भी हमें ओपन टेरेस का एरिया मिल जाता है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। इसपे लॉन्ड्री वगैरह के लिए भी आप चेक कर सकते हैं, स्पेस अवेलेबल है। इस साइड पर इसकी बेड सेकंड की अकोमोडेशन आप विजिट कर लेते हैं। सेम पैटर्न का इधर भी टाइल वर्क है और इसको जो कनेक्टिविटी दी गई है ओपन टेरेस एरिया से कनेक्टिविटी दी गई वेंटिलेशन विंडो के साथ, वो आप चेक कर सकते हैं। इन्वर्टर यहाँ भी इंस्टॉल किया गया है, व्यूवर्स हायर के इसमें इन्वर्टर इंस्टॉल किए गए कम्प्लीटली। ये इसकी फीचर वॉल चेक कर सकते हैं, इसमें वॉलपेपर का यूज किया गया और इस साइड पर यूवी शीट्स और मर्की ग्लास के साथ इसकी जो इंटरनल कबर डिजाइन की गई है वो चेक कर सकते हैं। इस साइड पर भी जो ओपन टेरेस एरिया है उसमें कनेक्टिविटी दी गई है जिससे आप फ्रंट का व्यू कर सकते हैं। इस साइड पर व्यूज इसका अटैच बाथरूम है, एंटर होते हैं तो आप चेक कर सकते हैं। इसमें खूबसूरत टाइल पैटर्न्स का यूज किया गया कम्प्लीटली और यहाँ पे इसकी कस्टमाइज वेंटी आप देख सकते हैं इंस्टॉल की गई है। वैनिटी के बाद इसकी जो वेंटिलेशन विंडो आप देख सकते हैं इंस्टॉल है और उसके नीचे इसका कमोड इंस्टॉल किया है बड़े स्मार्ट साइज का। और इस साइड पर इसका आप देख सकते हैं सेपरेट शावर कैबिन एरिया डिजाइन किया गया, वो आप चेक कर सकते हैं। इसका इंटरनल व्यू भी आप करवा दूं। जी व्यूज, इसके बाद चलते हैं अपने थर्ड एंड लास्ट बेडरूम की तरफ, उसका भी विजिट कर लेते हैं। ये इसका थर्ड एंड लास्ट बेडरूम है, वो आप देख सकते हैं दो डबल वेंटिलेशन विंडो इधर दी गई है, टेरेस एरिया से कनेक्टिविटी इसको दी गई है। ऊपर इसका इन्वर्टर इंस्टॉल है और इस साइड पर देखें तो इसकी फीचर वॉल डिजाइन की गई है वॉलपेपर के साथ, वॉल हैंगिंग लाइट्स का यूज किया गया, वो भी आप चेक कर सकते हैं। और इस साइड पर इसकी आप देख सकते हैं कम्प्लीटली जो इंटरनल जो कबर डिजाइन की गई है वो भी आप चेक कर सकते हैं। खूबसूरत डोर डिजाइन आप देख सकते हैं। इसके साथ इसका अटैच बाथरूम है, वैनिटी इंस्टॉल है जिसके अंदर भी, और इसके साथ इसका सेपरेट शावर कैबिन एरिया अवेलेबल है और उसके साथ इसका कमोड की अवेलेबिलिटी भी मिल जाती है, वो आप चेक कर सकते हैं। जी तो व्यूवर्स, ये 10 मरला ब्रांड न्यू हाउस जिसका आपने विजिट किया, घर आप देख सकते हैं कम्प्लीटली प्रीमियम क्वालिटी के अंदर बिल्ड किया गया। व्यूवर्स, लोकेशन इसकी DHA Phase 7 लाहौर है और इसकी आस्किंग प्राइस 5,15,00,000 है जो कि नेगोशिएबल है। मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप दिए गए सेल नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मज़ीद अगर आप DHA लाहौर